Assalamu alaikum viewers, ummeed aap log khairiyat se honge, subah bakhair. Hamare paas abhi subah ho rahi hai janab. Aur main utha hu taqriban 11 baj rahe hain, mere khayal mein 12 baj rahe hain ji. Theek hai. To ummeed aap log khairiyat se honge. To main abhi bana raha hu ji saagudana. Aur saath mein ye janab meri green tea garam ho gayi meri. Theek hai. To मैं अभी सागुदाना बना रहा हूँ जी. और कल एक बहन ने बनाया था, उनकी मैंने क्या बोलते हैं साइट व्यू की थी उनकी, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बनाया था. ठीक है, तो मेरा दिल किया कि मैं भी बनाऊँ आज, तो मैं भी बना रहा हूँ. ठीक है जी, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया था, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे. मैं भी दूध निकाल रहा हूँ और चीनी जाएगी इसके अंदर और इलायची जाएगी. मैं इलायची इसके अंदर डाल देता हूँ. आप लोग सुनाएं आप लोगों का दिन कैसा रहा और आप लोगों को मेरी गज़ल्स और मेरे गप्पे कैसी लग रही हैं. पेट में फ़र्क लग रहा है कि नहीं? बड़ी थोड़ी सी मैंने कंट्रोल तो किया अपने ऊपर, अभी चल रहा है इंशाल्लाह. तो नहीं पता है, बहुत बुरा लगता है पेट निकला हुआ. और पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया ना, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत ही बुरी बात है, इतना बुरा पेट निकला हुआ. ऊपर से चलने फिरने से बंदा आजारी. ठीक है जी, और उसके बाद जनाब आपका जो है सांस फूल जाता बहुत जल्दी, तो ये हेल्थी तो नहीं है ना ये चीज़. तो इसलिए जो है मैंने कहा नहीं भैया, हर चीज़ को जो है ना हर चीज़ से बढ़ के है अपनी सेहत, तो जिसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है. तो जनाब फिर मैंने अपना उसका थोड़ा ख्याल करना शुरू किया. अभी सब लोग मेरा मतलब मेरे जो देख रहे हैं, मेरे जो पुराने दोस्त और मेरे लो अजीज़, वो सब मुझे इतना हैरान हो रहे देख के, तुम्हें क्या हो गया. तो अल्लाह हमें हदायत दे, हम अल्लाह से अपनी हदायत की दुआ ही मांग सकते हैं ना भाई. और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बना रहा हूँ. और सागुदाना बन रहा है नाश्ते में और साथ में अभी ग्रीन टी चल रही है. ठीक है, तो वैसे तो फ्रूट भी खाऊंगा थोड़ी देर के बाद, शायद ब्लूबेरीज भी लाया था मैं, अंगूर लाया था मैं, सेब लाया हूँ, केले हैं, कैंटलोप है. ठीक है, और ज़्यादातर मैं पूरे दिन में जो है थ्रू आउट मैं खाऊंगा अपना क्या कहते हैं फ्रूट खाऊंगा अपना. ठीक है, तो अभी ये इतने उबलते हैं तो मैं आपको ज़रा बाहर का मौसम दिखाता हूँ क्या हमारे पास बाहर कैसा मौसम है. बाहर जो है बारिश का लग रहा है नमूना थोड़ा सा, क्योंकि ईंटें जो हैं वो गीली हैं बाहर की. तो हाँ बादल है, देखो कितने तेज़ बारिश बादल हैं. ये देखिए सारा फर्श भी गीला हुआ है, मगर अच्छी हवा चल रही है, फीकी फीकी सी, ठंड नहीं है ज़्यादा माशाल्लाह. चलो अच्छा, आज वॉक करेंगे थोड़ी सी. वॉक तो खैर अब हर रोज़ करता हूँ मैं, एक्सरसाइज भी करता हूँ थोड़ी बहुत, पुशअप करने इंशाल्लाह थोड़ी देर में जाना, तो ताकि थोड़ा सा जो है पेट तो ऐसे ही कम तो नहीं होगा, पेट के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी दबा के. तो ये है हमारा आज का वेदर जनाब, और ये देखें पहले खूबसूरत दरख्त नहीं कर रहे, हरी हरी हरियाली हो रही है अभी, जैसे जैसे मौसम बदली होता जाएगा. और बहुत शुक्रिया आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत शेयर भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ. और सब लोग अपने अपने घरों में बंद बैठे हैं, तो ये एक अच्छा हो गया कि आप लोगों से मेरी गप हो जाती है, जो बोरियत नहीं होती. अरे ये बन क्यों नहीं रहा भाई, बन जाओ, क्या हो गया. हाँ बन तो रहे हैं, आस्ता आस्ता बन रहे हैं. एक तो मुझे आइडिया नहीं ना कुकिंग का, तो वो मुझे पता चलता कि मतलब सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ. तो नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं थोड़ी थोड़ी, वो आँखें नज़र आ रही हैं मुझे मेंढक की ना. और
ज़्यादातर मुझे लग रहा है लोगों को ना मेरी गज़लें सुनने का शौक हो रहा है, तो मैं ऐसा करूँगा कि ना मैं हर एक दो दिन एक दिन छोड़ के ना एक दिन गज़ल गा लिया करूँ, या एक दिन बातें करूँ एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे मैं सुबह के टाइम पे बातें करूँ और शाम के टाइम पे गज़ल रिकॉर्ड करवा दूँ। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है बताइएगा। और बाकी ये है कि वीडियो बड़ी मज़ेदार थी, दूसरे फैमिलीज़ की हम सब के दुखों में भी बराबर के शरीक हैं, हम एक फैमिली हैं। अगर किसी की कोई फैमिली में कोई डेथ होती है, जैसे वो अतीक व्लॉग वाले भाईजान हैं, उनकी अम्मी की डेथ हुई थी, तो वो अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रहे थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उनकी वालदा को, माँ तो माँ होती है और माँ की कमी तो सारी ज़िंदगी इंसान को रहती ही रहती है। ठीक है ना, मेरी एक बाजी हैं, वो भी अपनी अम्मी को बहुत याद करती हैं, तो हर कोई अपने माँ बाप को याद करते हैं। मैं अपने सुबह शाम जब उठता हूँ अपनी अम्मी डैडी के लिए ज़रूर दुआ मांगता हूँ, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी रहमत के उनके लिए, उनकी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिल आसान फरमाए। मेरे दोस्त अहबाब जिनसे मैं मिल चुका हूँ, जो मेरे दोस्त के पेरेंट्स थे और जो सब फौत हो चुके हैं, सब के लिए दुआ मांगता हूँ, सब मुसलमानों के लिए दुआ मांगते हैं। और अल्लाह मियाँ सबको जो है ना सब्र दे, हम सब्र की दुआई कर सकते हैं। हम ये कि एक फैमिली होने के नाते से हम ये किसी के नाम तो मैं नहीं ले सकता था, पर मैंने अतीक का व्लॉग का नाम इसलिए लिया कि ये लोग अतीक बहुत अच्छा लड़का है और ही इज़ वेरी नाइस एंड वेरी हम्बल, बहुत बहुत मोहब्बत करने वाला बंदा है और बहुत सन्सियर है, बहुत अच्छी बात करता है। उसको भी आप व्लॉग देखिएगा, तो बड़े मज़े की बातें करता है वो, मियाँ बीवी दोनों बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो नया नया कपल है, तो बस ज़िंदगी की सीढ़ियाँ परवान चढ़ रही हैं उनकी ज़िंदगी में भी। तो चलें सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मेरा भी सागुदाना बनेगा तो मैं अभी नाश्ते में ठंडा करके ही खाऊँगा। पता नहीं तो ठंडा ठंडा खाते हैं गरम गरम खाते हैं, आई डोंट नो, चलें देखते हैं। अभी तो ये बन रहा है, अभी ये उबल रहा है, तो इसको मैं चूल्हा हल्का करूँ मेरे ख्याल में, वरना ये सारा ऊपर आ जाएगा मेरे ऊपर। ठीक है ना, चूल्हा मैंने हल्का कर दिया, अभी अभी आप जितना पकना है पक लो भाईजान, मेरा सर नहीं खाना फिर। अरे भाई ये तो बहुत ऊपर आ रहा है, डर लग रहा है भाई, ये तो ऊपर ही आ रहा है। चलो, तो ये होती है मर्दों की कुकिंग, औरतें होती है ना वो संभाल लेती हैं कुकिंग को, यू नो, वो कहती हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, दो मिनट बना के आके रख देती हैं। तो ये हम जो मर्द है ना, हमें थोड़ा शोर भी करना पड़ता है, दूध ऊपर आ गया, भागो 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 भागो। और अरे सागुदाना तो नज़र ही नहीं आ रहा भाई, अच्छा हाँ हाँ नीचे से नज़र आ रहा है। चलें जी, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने नाश्ते में क्या खाया, और मैं इंशाल्लाह गज़ल जल्दी सुनाऊंगा आपको, और जैसे ही हमारे क्वारंटीन या सही होगा ना, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शॉपिंग के ब्लॉग भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे भी शॉपिंग का बहुत शौक है, ठीक है, मैं भी बहुत शॉपिंग करता रहता हूँ। तो आप देखिए हमारे इसका ये फ़ायदा होता है शॉपिंग करने का, आपके घर में कुछ ना कुछ लिया हुआ होता है, ठीक है ना, तो इसलिए जैसे अभी हमारे पास हर चीज़ बंद है, तो हमारे पास कल 3 सालगिरह थी, उनको गिफ्ट देने थे, तो मैंने अपने घर से चीज़ें निकाल के उनको तोहफे में दे दी। तो इसलिए मुझे पता होता है कि जिनकी बड़ी फैमिली होती है कुछ ना कुछ आ जाता है बंदे के लिए, तो हर तरह से ज़िंदगी को कवर करना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने अपने अम्मी अबू से सीखी, डैडी से सीखी, अम्मी डैडी से सीखी थी, ठीक है ना। तो वक्त से पहले तैयार रहना हर चीज़ के लिए और हर तरह की सिचुएशन को टैकल करना। तो चले आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और मेरा ये सीरियल बनेगा सॉरी ये अपना क्या बोलते हैं इसको सागुदाना, तो वो बहन भी देख रही होंगी जिन्होंने ये बनाया था कल, और उन्होंने लगाया था जायका टीवी वालों की तरफ से, तो मैं उनका बना के आज नाश्ते में यही खा रहा हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, सबको बहुत सलाम।